नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। दुनिया में आज जो डंका भारत का बज रहा है, क्या आप जानते हैं कि ये कैसे बज रहा है और इसका कारण क्या है? इसका कारण है दबंग मोदी की विदेश नीति का। मोदी ने जब से सत्ता संभाली है तब से भारत को आसमान पर पहुंचाने की ठानी है और दुनिया में भारत का डंका बजाने के लिए जी जान से मेहनत कर रहे हैं और अब वो दिख भी रहा है। सबसे पहले हम आपको अब से कुछ दिन पीछे यानी 5 अगस्त की बात बताते हैं, जब भारत ने जम्मू कश्मीर से 370 हटाया। कश्मीर से 370 हटाना था कि पाकिस्तान बिलबिला गया और पूरी दुनिया में भारत की शिकायत करने लगा, लेकिन पाकिस्तान की एक देश ने भी नहीं सुनी। फिर आया 22 अगस्त का दिन, जिस दिन पीएम मोदी 3 देशों के दौरे पर निकले और फिर दुनिया के सबसे ताकतवर समूहों में से एक G7 की बैठक में भाग लिया और इन्हीं बैठक से तय हो गया कि भारत की धमक और पाकिस्तान की बदकिस्मती, और इसी घटना से दुनिया भारत का लोहा मानने लगी। सबसे पहले बात मोदी के UAE के दौरे की करते हैं, जहां पर पाकिस्तान और इमरान खान को सबसे ज्यादा भरोसा था मुसलमान होने का। उसी UAE ने भारत को सिर आंखों पर बिठाया और अपने देश के सबसे बड़े अवार्ड से मोदी को सम्मानित किया। UAE के द्वारा सम्मानित करना था कि इमरान खान जल भून गए और UAE को पानी पी पी कर कोसा, लेकिन भारत के समर्थन से UAE पीछे नहीं हटा और इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी बहरीन की यात्रा पर गए, जहां पर बहरीन के किंग हमाद ने जोरदार स्वागत किया और मोदी के साथ समर्थन में खड़ा रहा और बहरीन ने भी मोदी को अपने सबसे बड़े अवार्ड दिया। यहां पर भी पाकिस्तान जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन बहरीन भी टच से मस नहीं हुआ और उसने भी पाकिस्तान की एक न सुनी। गल्फ देशों के दो बड़े देशों का दौरा करने के बाद प्रधानमंत्री फ्रांस पहुंचे, जहां पर फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने भारतीय प्रधानमंत्री मोदी का शानदार स्वागत किया और कई द्विपक्षीय मामलों पर समझौता हुआ और फ्रांस ने भी 370 से पल्ला झाड़ लिया और कहा कि ये भारत पाकिस्तान का आपसी मामला है। फिर आई बारी असली परीक्षा की, जहां पर मोदी विदेश नीति ने जमकर पाकिस्तान की झड़ियां उड़ाई और पाक के आका अमेरिका ने भी 370 से हाथ खींचते हुए कहा कि ये दो देशों का आपसी मामला है और मोदी जी इसको सुलझाने में सक्षम हैं। भारतीय प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बात और बेबाकी बेफिक्री और दो देशों के बड़े नेताओं का प्रोटोकॉल तोड़ हंसना और गले मिलना, गलबहियां करना, एक दूसरे के पीठ थपथपाना और एक दूसरे के हाथ पकड़कर थपथपी लगाना दुनिया को एक बड़ा संदेश दे गया। विदेशी मामलों के विशेषज्ञों की माने तो भारत की विदेश नीति इस वक्त मोदी की वजह से चरम पर है और अब मोदी की वजह से भारत को कोई भी देश इग्नोर नहीं कर सकता, क्योंकि सभी बड़े देशों को मालूम है कि अगर हमने भारत और पाकिस्तान को तरजीह दी है तो हम कहीं के ना रहेंगे और कंगाल पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद दे सकता है, लेकिन अगर हमने भारत और मोदी से दोस्ती की तो हमें शांति, विकास, रोजगार, संचार, पानी, वो सब कुछ मिलेगा जो दुनिया के लोगों को चाहिए और यही वजह है कि भारत मोदी के नेतृत्व में रफ्तार के साथ आगे भाग रहा है और उसी रफ्तार से पाकिस्तान जमीन में धंस रहा है। अमेरिका का आर्थिक क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में लगातार बातचीत हो रही है और कई विषयों में हम अमेरिका के सुझावों को का स्वागत करते हैं और मिलजुल करके ट्रेड के क्षेत्र में आगे बढ़ने की दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। भारतीय समुदाय अमेरिका में भारी मात्रा में इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है। भारतीय समुदाय अमेरिका में जिस प्रकार से विकास यात्रा में भागीदार बना है, अमेरिका ने जिस प्रकार से भारतीय समुदाय को आदर सत्कार और सम्मान दिया है, इसके लिए मैं राष्ट्रपति ट्रंप का, उनके शासन का, प्रशासन का, वहां की जनता का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। थैंक यू। मिस्टर प्रेसिडेंट, कैन यू क्लैरिफाई योर पोजीशन? Today I'm meeting my friend and the representative of the oldest democracy in the world, President Trump.
It's a very important meeting for me, and whenever we've had the opportunity, we've always met. As you know, India is the largest democracy, and we have our elections recently where 700 million Indian voters chose their government. And President Trump had telephoned me to congratulate me, and again today he has conveyed his congratulations. I'd like to thank him for that. India and the United States are countries which have shared democratic values, and we work for the welfare of the world, and whatever contribution we can make in whichever way, we have these common values, and we work for the progress of humanity, for the world, for continuous progress. We have continuous discussions on these issues. India and the United States, we have been discussing on a continuous basis various economic, trade and commercial relation issues. And on many of these issues, we have welcomed US suggestions. Together, we are working in the area of trade. We are making efforts to take this forward. The Indian community in the United States has made substantial investments over the years. They have taken a part very actively in the development part of the United States, and the way the United States has showered love and has embraced them as their own. For that, I would like to thank President Trump, his administration, and the people of the United States. Mr. President, can you clarify your position on whether you will mediate on Kashmir, please? Well, we spoke last night about Kashmir, and the Prime Minister really feels he has it under control. I know they speak with Pakistan, and I'm sure that they will be able to do something that will be very good. We spoke about it last night at Greta. Mr. Modi, do you want to add? भारत और पाकिस्तान के बीच कई बायलेटरल इश्यूज हैं और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के चुनाव के बाद जब मैंने उनको टेलीफोन किया था तब मैंने उनसे कहा है कि पाकिस्तान को भी गरीबी के खिलाफ लड़ना है, भारत को भी गरीबी के खिलाफ लड़ना है, पाकिस्तान को भी अशिक्षा के खिलाफ लड़ना है, भारत को भी अशिक्षा के खिलाफ लड़ना है, पाकिस्तान को भी बीमारी के खिलाफ लड़ना है, भारत को भी बीमारी के खिलाफ लड़ना है। हम दोनों देश मिलकर के गरीबी के खिलाफ लड़ें, हमारी असुविधाओं के खिलाफ लड़ें, और हम मिलकर के दोनों देश की आवाम की भलाई के लिए काम करें। ये संदेश मैंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जी को भी दिया है और राष्ट्रपति ट्रंप से भी। हमेशा हमारे इस बायलेटरल संबंधों के संबंध में बात होती रहती है। Between India and Pakistan, there are many bilateral issues, and after Mr. Imran Khan became the Prime Minister of Pakistan, I called him up to congratulate him, and I told him that Pakistan needs to fight poverty, India too. Pakistan needs to fight illiteracy, India too. Pakistan needs to fight disease, India too. And so together, let us join our forces to fight poverty and all the ills that are facing our two countries. Let us work together to for the welfare of the people of our two countries. And this is the message that I keep giving my counterpart in Pakistan. Along with President Trump, we also keep talking about the different bilateral issues between us. Mr. Modi, would you like to have President Trump be involved in negotiating between Pakistan and India? भारत और पाकिस्तान के सारे इश्यूज बायलेटरल हैं और इसलिए हम दुनिया के किसी भी देश को इनके लिए कष्ट नहीं देते हैं और मुझे विश्वास है कि भारत और पाकिस्तान जो 1947 के पहले एक ही थे हम मिलजुल करके हमारी समस्याओं पर चर्चा भी कर सकते हैं और समाधान भी कर सकते हैं। India and Pakistan have all the issues are of bilateral nature, and we do not want to give pains to any country in the world try to do anything in this, because these issues are bilateral. And I trust that before 1947, when we were one country, that even afterwards we can find solutions through discussions.